या और एक डब्बा, और ऐसे बहुत सारे डब्बे आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मुझे गेस करके बता सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चलेगा कि ये फ़ोन कौन सा है। सो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में ये फ़ोन मैंने मंगवाया है। सो फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है। सो हम अनबॉक्सिंग अपने इस पेन से ही कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं अनबॉक्सिंग को। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसको तोड़ देता हूँ पहले। वो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर आपको ये बिल कॉपी देखने को मिल जाती है। तो ये बिल कॉपी दिखाने से पहले मैं बिल कॉपी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम बिक गए हो, तुम्हें इस कंपनी ने रिव्यू के लिए फ़ोन भेजा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं अपना खुद का पैसा लगा के फ़ोन खरीदता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बिल कॉपी भी दिखा लेता हूँ, कहाँ है बिल। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो ये इनवॉइस है। तो ये 15,000 का फ़ोन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F41। और लगभग मुझे ये ऑफर वगैरह लगा के 9,852 रुपीज़ में मिला है। कैसे मिला है, मैं 70-30 वो जो फ्लिपकार्ट का प्लान है कि 70% पैसे पेमेंट अभी करनी है और एक साल के बाद बाकी की 30% पेमेंट करनी है। तो ये फाइनली फ़ोन मैंने मंगवाया है सैमसंग का F41। यहाँ पे देख सकते हो। सो इसको बहुत सारे फ़ोन के साथ कंपेयर तो करने वाला हूँ, बट बॉक्स के अंदर आपको फिर और क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले स्पेसिफिकेशन आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसमें आता है प्रोसेसर, लिख देता हूँ यहाँ पे 9611। या गाइस, ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ़ोन नहीं है, इसमें खुद का सैमसंग का एक्जोनोस प्रोसेसर ही देख मिल जाता है। ओके, तो बॉक्स खुलने के बाद उसके बाद एक और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई होप सो इसमें केस होगा, क्योंकि मुझे M51 के साथ कोई भी प्रोटेक्टिव केस देखने को नहीं मिला था। और क्या यार, मतलब सैमसंग सी यार, क्या है ये कौन, इसको कौन पढ़ता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चल हट यार, मैं उम्मीद कर रहा था केस होगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों इसके अंदर, ना केस है ना। ये देखिए चार्जर देखने को मिल जाता है, ये भी कम वैट का होगा। अगर आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हो, टाइप सी है बट डबल टाइप सी नहीं है, बोथ एंड टाइप सी वाले नहीं है, एक USB देखने को मिल जाता है। उसके साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आई, ग्लास मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवर देना चाहिए था। हाँ, और इसके ऊपर भी आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिलता। सो ये आप फ़ोन ले रहे हो तो आपको यार ये परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो इसके ऊपर बहुत क्रैचेस आने वाले हैं। ये तो यार सैमसंग M51 से मुझे बेटर लग रहा है। आई डोंट नो ये क्या है, ग्लास है या प्लास्टिक है, बट ये M51 से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे बूट करके मैं फ़ोन को दिखा देता हूँ आपको। सो सैमसंग गैलेक्सी M51 की कौन कौन सी वीडियोस और किस किस फ़ोन के साथ आपको कंपैरिजन चाहिए, स्पीड टेस्ट, प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, जो भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सेल ख़त्म होने से पहले इसकी पूरी टेस्टिंग करके बताऊंगा, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी करके ये फ़ोन खरीदने की कोशिश मत करना, चैनल पर बने रहना, चैनल पर आपको सब कुछ इस फ़ोन के बारे में पता चल जाएगा। बट ध्यान में रखना, इस बॉक्स के अंदर आपको ना प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है, ना इस फ़ोन के ऊपर आपको कोई भी स्क्रीन गार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा फुल स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको एक नॉच भी देखने को मिल जाती है। तो जल्दी ही मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ बने रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, जय हिंद।